नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइथोलॉजी मैक्स यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं व्रत पूजन विधि, धार्मिक ज्ञान और बहुत सारी रोचक पौराणिक कथाएं जो जुड़ी होती हैं भारतीय संस्कृति, देवी देवताओं और भगवान से। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए माइथोलॉजी मैक्स यूट्यूब चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही रोचक जानकारी, ब्रह्मा ने किया था अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। हिंदू धर्म के दो ग्रंथों में सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फल स्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए पुराणों में वर्णित एक कथा है। दोस्तों, सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ भिन्नता है, इसीलिए आज हम आपको दोनों कथाओं से अवगत करा रहे हैं। आइए जानते हैं सरस्वती पुराण में वर्णित कथा क्या कहती है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर से सरस्वती को जन्म दिया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की ये देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा कर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांप कर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम था स्वयंभू मनु। तो आइए जानते हैं मत्स्य पुराण में वर्णित कथा। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वो इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालते रहे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन उनसे नहीं बच पाई। इसीलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के बाद सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की ये संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। ब्रह्मा का अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह का प्रसंग बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए माइथोलॉजी मैक्स यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।